जैसा कि मोदी सरकार ने अपनी सरकार बनने से पहले यह फैसला लिया था कि वो आने वाले दिनों में किसानों की आय को दुगनी कर देंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम पोर्टल की स्थापना की है। ऑनलाइन की यह मंडी किसानों के हित के लिए ही है और अब तक देश के बहुत सारे किसान इसके तहत जुड़ चुके हैं और अपनी आय को दुगना करने या अपनी आय को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छे से कार्य कर रहे हैं। चलिए जानते हैं ई नाम के बारे में। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना की। यह एक ऑनलाइन मंडी है जो किसानों के लिए अभी बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। देश के ज़्यादातर किसान अब इस मंडी के साथ जुड़ रहे हैं और अभी करीब 2.25 करोड़ किसान इस मंडी से जुड़ चुके हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम मंडी 2017 में इस मंडी से केवल 17,000 किसान ही जुड़े थे, जबकि 2018 में इसकी संख्या 2.25 करोड़ तक पहुंच चुकी है। किसानों को उनकी फसल को बेचने पर एक उचित रकम मिल जाती है जो पूरे देश के किसानों के लिए होती है। ई नाम क्या है? ई नाम पोर्टल एक राष्ट्रीय कृषि बाजार है जो ऑनलाइन फसलों की बिकवाली का काम करता है। खरीदार और बेचने के लिए किसान अपने आप को खुद से ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी फसल के ऊपर एक उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को उनकी फसल के ऊपर उचित मूल्य दिलवाने के लिए देश भर में कृषि बाजार मंडी की स्थापना की गई है और यह राष्ट्रीय कृषि बाजार के रूप में कार्य करता है। पहले क्या थी किसानों की सबसे बड़ी समस्या? ई नाम पोर्टल आने से पहले किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि वो जो फसल उगा रहा है उस पर काफ़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन जब बाजार में वो फसल लेकर जाता है तो वह उसको एक बिचौलियों को दे देता है और वो बिचौलिया उसको खरीदार के पास बेचता है। ऐसे में किसानों को बिचौलियों के द्वारा कम पैसा देकर फसल खरीद लिया जाता था और किसानों को अपनी फसल की एवज में उचित मूल्य नहीं मिल पाती थी, लेकिन इस पोर्टल के आने से यह समस्या खत्म हो गई है। ई नाम पोर्टल की विशेषताएं क्या हैं? ई नाम की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 में की गई थी, जिसके तहत रजिस्टर्ड होकर किसान अपनी उपज के ऊपर उचित मूल्य प्राप्त कर सकता है और अपनी उपज को देश में जहां भी चाहे बेच सकता है। इस पोर्टल के आने से किसानों को अब बिचौलियों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। वह किसान के द्वारा जोड़े गए 585 मंडियों में अपने फसलों को सीधा बेच सकता है। कृषि मंत्रालय के तहत काम करने वाला लघु कृषक कृषि व्यापारी संघ ई नाम को लागू करने वाली सबसे बड़ी संस्था है जो सरकार की इस योजना में अहम भूमिका रखता है। सरकार का मकसद इस साल ई नाम में 200 और मंडियों को जोड़ने का काम है, साथ ही अगले साल 215 नई मंडियों में शामिल किए जा सकते हैं। देश भर में अभी 2700 कृषि उपज मंडी और 4000 उप बाजार मौजूद हैं। इनाम से अब दो राज्यों के बीच काम किया जाना संभव हो सका है। बेनिफिट ऑफ इनाम पोर्टल। इनाम पोर्टल के फायदे। चूंकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, इसके तहत देश के 585 मंडियों को शामिल किया गया है। इसकी सहायता से देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज की मंडी को इंटरनेट के जरिए जोड़ दिया गया है, यानी कि अगर कोई बिहार का किसान अपनी फसल को गोरखपुर में बेचना चाहता है तो कृषि उपज को ले जाने और मार्केटिंग करना काफी ज्यादा आसान हो गया है। किसानों को क्या फायदा? देश के अलग अलग राज्य के किसानों को एक उचित मंडी मिलेगी जिसमें उनके फसल के एवज में एक उचित रकम मिलेगा। इनाम पोर्टल की सहायता से किसान और खरीदार के बीच कोई दलाल नहीं रहेगा, यानी किसान सीधा अपना फसल खरीदार को दे सकता है।
किसानों और व्यापारियों के बीच एक कारोबार में स्थानीय कृषि उपज मंडी के हित को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पूरा व्यापार इसी माध्यम से हो रहा है। किसानों को उनकी फसल के एवज में एक उचित मूल्य मिलेगा, जिससे किसानों को प्रोत्साहन और आय बढ़ेगी। ई नाम पे किसान कैसे रजिस्टर करें? सबसे पहले किसान को इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको रजिस्टर का एक ऑप्शन दिखेगा, जिसके अंतर्गत आपको फार्मर का चयन करना होगा। जैसे आप फार्मर का चयन करते हैं, आपके सामने एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाता है, जिसमें आपको अपनी निजी जानकारी के साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दर्ज करनी होती है। दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको ई नाम पोर्टल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होती है, जिसके बदौलत आप लॉगिन करके राष्ट्रीय कृषि मंडी का प्रयोग कर सकते हैं।